दहशत फैलाने वाले कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के बीच अब दवा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की दवा को कोरोना मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार ने ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को इसकी मंजूरी दे दी है। वहीं कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को अब ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की दवा दी जा सकेगी, जिससे वायरस के अगर हल्के लक्षण भी होते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने बताया कि कंपनी ने कोरोना वायरस के पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा फेविपिरावीर को फेविक्लू ब्रांड नाम से पेश किया जा रहा है। आपको बता दें, ग्लेनमार्क को 19 जून को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से फेविपिरावीर या फेविफ्लू के विनिर्माण और विपणन के लिए मंजूरी दी गई। पहले की तुलना में भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं सरकार ने मंजूरी ऐसे समय में दी है जब कोरोना के मामले आसमान छू रहे हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 4 लाख के करीब पहुंच गई है। नई कंपनी का कहना है कि दवा किसी डॉक्टर की सलाह से ही दी जाए। वहीं दूसरी ओर कंपनी ने उम्मीद जताई है कि इस दवा से कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर मौजूदा दबाव को काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस के हल्के संक्रमण से पीड़ित मरीजों पर इस दवा के अच्छे नतीजे दिए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।